नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल यूट्यूब के माध्यम से आज आपको धनतेरस का दिन है। पहली बात तो धनतेरस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। धनतेरस के शुभ अवसर पर कुछ हाथा जोड़ी जो है, कई लोगों के प्रश्न थे, हाथा जोड़ी आपको दिखा रहा हूँ। हाथा जोड़ी खास करके कोर्ट कचहरी के काम में ज़्यादा आती है। अपने कोई काम बिगड़े हों उसको जेब में रख के लेके जाओ तो अपने काम में सफलता प्राप्त होती है, व्यापार में अपना काम बनता है। देखो मित्रों, कोई भी तांत्रिक क्रिया है, कोई भी तांत्रिक यंत्र हो, चाहे जड़ी बूटी हो, चाहे पारद की गुटिका हो, जो भी हो, ये सब चीज़ें आपके संचयी कर्म के आधार पर काम करती हैं। आपका कितना विश्वास है, आपके संचयी कर्म कैसे हैं, इस तरह से धीरे 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 काम करती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जैसा कि लोग कई बताते हैं कि धन वर्षा हो जाएगी, छप्पर फाड़ के धन मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें आपके कर्म और इसका प्रभाव दोनों मिलके साथ साथ काम करके ही सफलता प्राप्त होती है। दूसरी बात यह है कि हाथा जोड़ी एक छोटा सा पौधा होता है, कई बार बांस में निकलती, कई बार पौधों में निकलती है, पौधे वाली है, तो फर्न के समान पौधा होता है। तो एक जैसी हाथ के जुड़ी हुई तो नहीं निकलती, छोटा सा पौधा है, आजकल लोग खोद भी ले जाते हैं, ये इस तरह से ये जुड़ी रहती है। कई इसको काट छांट के हाथ के पंजे के जैसा बना देते हैं, जैसे सालम पंजा निकलता है उसको भी हाथा जोड़ी करके दे देते हैं। ऐसा नहीं है, ये बहुत काम की औषधि है मित्रों। जैसा कई लोग देते हैं जो गिरगिटान होता है उसका यूरिनरी सिस्टम को निकाल देते हैं और उसमें दोनों को मोड़ के मिला के और हाथ जोड़ने के जैसा बना देते हैं, वो काम नहीं करती। उसको आप जलाएंगे तो एनिमल पार्ट के चमड़ी जलने के जैसी उसमें बदबू आएगी, मांस गोश जलने के जैसी, वो सही नहीं है। इसको जलाएंगे तो लकड़ी के जैसी इसमें जलेगी, ये बांस कुछ भी नहीं आएगी। इस तरह से इसका पहचान होती है। इसको जब भी लेते हैं, आज धनतेरस का दिन है इसलिए मैं दिखा दे रहा हूँ आप इसको, इसको लेके चांदी की डिबिया में रखते हैं और सिंदूर रख देते हैं तो धीरे धीरे सिंदूर बहुत धीरे धीरे कम होने लगता है, और जैसे जैसे सिंदूर कम होता है वैसे वैसे इसका प्रभाव बढ़ता जाता है। इसको माँ चामुंडा का प्रतीक मानते हैं, तो जहाँ हमारे कोई ऐसी संभावना हो कि हमारे काम बिगड़ रहे हों, जादू टोना कोई कर रहा हो, इस तरह की कुछ दिक्कतें हैं, दुकान ठीक से नहीं चल रही हो, अचानक चलते चलते बंद हो गई हो, कोई कोर्ट मुकदमा केस में कोई हार होने की संभावना हो, तो वहाँ इसको फिर कोर्ट में भी अपने साथ रख के लेके जाते हैं। इस तरह से ये लोगों को अपने प्रभाव से अपनी तरफ प्रभावित करने में इसका प्रभाव माना जाता है। तो ये हाथा जोड़ी है मित्रों, ये दूसरे तरह की हाथा जोड़ी है। एक मैंने आपको पूर्व में भी दिखाई थी, वो भी हाथा जोड़ी है, और ये एक छोटा सा फर्न के समान पौधा होता है, जंगलों में पचमढ़ी के आसपास मिलता है, ये घने खाइयों में हांडी कोल करके एक जगह वहाँ मिल जाता है, तो वहाँ से ये लाया हूँ मैंने। आदिवासियों का कहना है कि ये सही हाथा जोड़ी है, इसका प्रभाव भी मैंने देखा है, बस इतनी मिल पाई है क्योंकि छोटे छोटे पौधे रहते हैं, उनको तोड़ो तो जड़ अंदर फंस जाती बारी बारी, उसमें से ये जो मोटी जड़ें हैं इनको ला के पूजा पाठ करके फिर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये देख लें मित्रों, ये वही है हाथा जोड़ी, और इसका प्रभाव भी बिल्कुल होता है। बस प्रभाव के संबंध में इतना बात याद रखें कि आपके संचयी कर्म, आपके पूजा पाठ, आपके ऊपर सब डिपेंड है, पूरी दुनिया आपके हिसाब से चलती है। किसी को जल्दी प्रभाव होगा, किसी को नहीं होगा, किसी को 3 महीने में होगा, इस तरह से इसका प्रभाव हमारे ऊपर ही सब कुछ निर्भर करता है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय माँ काल, आयुर्वेद, आपको ये हाथा जोड़ी से अवगत करा दिया। ये देखिए, पास से देख लीजिए इसको, इस तरह से ये रखी हुई है। ये सिंगल डंडी वाली भी वही काम करती है जो डबल डंडी वाली करती है। नमस्कार मित्रों।